छात्रों, यदि आप बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में देने वाले हैं और आज आप फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 अपने विद्यालय में देने जा रहे हैं तो हिंदी का वायरल क्वेश्चन जो कि 100% सही आपको आंसर के साथ यहां पे मिलेगा। प्लस में आपको बता दूं सब्जेक्टिव भी यहां से मिलेगा 100%। आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर बस और यहाँ पे आना है। सर्च करने के बाद आपको नीचे चलना है। नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिंदी का जो है इसमें आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है वो भी तरीका आपको यहीं पे बता दूंगा। नीचे आपको सर्च बार मिलेगा, सर्च करके आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ग दशम का हिंदी का जो है आउट हो चुका है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैं चाहता तो रात में भी दे सकता था लेकिन रात में मैंने नहीं दिया। कारण था कुछ इसका, इसको अच्छी तरह से आंसर के ला करके और साथ में आपको सब्जेक्टिव भी दूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे आना है। सिंपली नीचे आ करके आपको यहाँ से आपको डाउनलोड PDF कर लेना है। यहाँ आप देख रहे हैं क्लिक, एक बार क्लिक करेंगे आपके सामने आपका PDF डाउनलोड होकर चलाएगा आपके फ़ोन में। चलिए हमने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, हमारे सामने डाउनलोड होकर आ गया हमारा PDF। अब हम आपको यहाँ से पढ़ाते चलते हैं। देखिए ये हमारे सामने PDF खुल चुका है। PDF में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर ने किसे मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया था, किसको दिलाने के लिए इन्होंने सब दिलाने का जो प्रयास किया था वो किया था अछूतों को, यानी जो अछूत थे, जो छुआछूत मानते थे उन जातियों को इन्होंने अधिक संघर्ष किया था मानव अधिकार दिलाने को। जाति प्रथा क्या है, दास जाति प्रथा एक जो है आपका दोष युक्त है। तीसरा है विष की दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है, ये विष की दांत वाले चैप्टर से इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्च वर्ग का जो है ये दोषों को दूर करने का काम करता है। अब है आपका सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था, तो आप लोग को पता है इंजीनियर, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा क्या बनाना चाहते थे, तो वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। चार नंबर का आपका कंप्लीट है, पाँच नंबर समझिएगा ये इंजीनियर ए ऑप्शन हो जाएगा चार का। पांच है स्वामी विवेकानंद के वेदांतियों का वेदांती किसे कहा, ये मैक्स मूलर जी को, डी आंसर हो जाएगा आपका पाँच। छः है मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता क्या है, तो छः का आंसर जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा प्राचीनता, छः का ऑप्शन सी। सात है भारतीय संस्कृति देन है किसकी देन है, तो सात नंबर का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी लघुता, सॉरी सात का बी हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या मार दिया, छः का बी मार दिया है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका सात का बी हो जाएगा आपको यहाँ पे सात का बीस। अनेक जातियों की नाखून किसकी जीवंती प्रतीक्रिया, ये पाश्विक वृत्ति को दर्शाता है यानी पशु प्रवृत्ति को नाखून या बढ़ बढ़ के ये दर्शाता है। चलिए PDF कैसे लेना है आपको समझ में आ चुका होगा, साथ ही आपको नीचे जो मिलता होगा सर्च करने का वो सर्च करके आप देख सकते हो। चलिए आठ नंबर सवाल है नाखून किसकी जीवंती प्रतीक्रिया पाश्विकवृत्ति। नौ है गुणाकार मूले ने आठवीं तक किस भाषा में पढ़ाई की थी, मराठी भाषा, राइट आंसर डी। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी, तो वो लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अमरकांत के व्यक्तित्व किस तरह उनकी भाषा में है, किस तरह उनकी भाषा में, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी फक्करपन। चलिए 12 है बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का इल्जाम लगा था, बहादुर एक लड़का था जिस पर जो है 10 रुपया चोरी का आरोप लगा था, राइट आंसर सी हो जाएगा 12 का। 13 है परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक कौन है, तो अमरकांत जी जहाँ पे रामविलास शर्मा जहाँ पर भी होंगे वही हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा वाला ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्या है सवाल, नीचे हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल है नकल करके लिखे गए साहित्य की कोटि होती है, जो नकल करके लिखे गए साहित्य की कोटि क्या होती है, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी अधम। 15 पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, ये किम्मे पीढ़ी का कलाकार थे, तो ये जो है सातवां पीढ़ी के थे। रसीम वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज की कौन थी, 16 नंबर का सी हो जाएगा आपका यहाँ पे पिताजी क्या कोई बात, तो चलिए नीचे देखते हैं 16 नंबर सवाल को, ये क्या थे शिष्य थे, रसीम वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज के शिष्य थे, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 16 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट हम सब्जेक्टिव पर भी चलेंगे, 17 नंबर से देखेंगे, 16 हो गया है 17। अशोक वाजपेयी ने वृत्ति के रूप में अपनाया था क्या अपनाया था, तो 17 का जो आंसर यहाँ पे आप लोग मारिएगा 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्रशासनिक सेवा। अविन्यू की फ्रांस की का प्रमुख केंद्र रहा है, किस चीज के लिए रहा है, तो 18 का आंसर होगा डी कला के लिए, कला डांस जो भी होता है ये सब के लिए। विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई थी, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा डाउट है बट 19 का आपका आंसर हो जाएगा बी 1971 में हमारे ख्याल से। मछली शीर्षक एक क्या है, मछली शीर्षक एक कहानी है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में होगा कहानी, तो आपको डी मार लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल है यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं, तो 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1999 में। बिस्मिल्ला खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं
बिस्मिल्लाह खां शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो मुहर्रम कहते हैं। मुहर्रम देखिए बिस्मिल्लाह खां से ही जुड़ा हुआ है। किनके जन्मदिवस के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में मनाया जाता है, नीचे आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका मछली वाला हो गया यतीन मिश्र बिमला देवी फाउंडेशन, आपका हो गया 99 बिस्मिल्लाह खां शहनाई बह मुहर्रम किनके जन्मदिन पर। यहाँ पर देखिए 23 नंबर सवाल का हो जाएगा ए हो जाएगा महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे सच्चे। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है, 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा चरित्र निर्माण, शिक्षा लेने का अर्थ है चरित्र निर्माण। 25 नंबर बात करेंगे गुरु नानक किस भक्ति का प्रचार करते थे, निर्गुण भक्ति याद रखिएगा गुरु नानक जी 25 का ऑप्शन डी। 26 है गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग क्या था तो राम नाम संकीर्तन यानी राइट आंसर सी। 27 है रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, रसखान जो है किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे पठान राजवंश में। रसखान ने चोर किसे कहा है तो कृष्ण को, कृष्ण यानी श्री राधिका पाठक। घनानंद प्रमुख ग्रंथ क्या है तो 29 का जो आंसर होगा घनानंद का प्रमुख कृति क्या है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में क्या है यहाँ पे इनमें से सभी है इनका लगभग। चलिए हम 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्राजन्य का अर्थ क्या होता है, प्राजन्य का अर्थ क्या होता है, प्राजन्य का अर्थ होता है सी बादल होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 31 नंबर प्राजन्य हो गया 31। प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना किया था, प्रेमघन किस समाज की स्थापना किया था तो आंसर हो जाएगा आपका सी रसिक समाज। स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता कौन है, स्वदेशी के हैं प्रेमघन। 32 का आंसर हो जाएगा बी। 33 सुमिंद्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, कहीं पर भी ऑप्शन है ध्यान नहीं है तो 1900 मार ले रहे हैं आपको। सुमिंद्रानंद पंत का जन्म 1900 हुआ था, ऑप्शन नंबर डी में होगा। चलिए 33 खत्म हुआ, 34 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा भारत माता ग्राम वास में किस कविता की पंक्ति है, ये किसकी है तो भारत माता पाठ की ये पंक्ति है। रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के प्रतिनिधि थे, ये किस सदन के रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म बेगूसराय सिमरिया में हुआ था तो इनका हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर किए, जब आउट होता ही है तो अच्छी तरह से क्यों ना आउट आउट किया जाए। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा जनता के, जनता को ये सिर पर मुकुट चढ़ाना चाहते थे रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल, आयोग ने किस वाद का सूत्रपात किया था, किस वाद का सूत्रपात किया था यानी किसको अपनाए थे तो 37 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा प्रयोगवाद। हिरोशिमा कविता किस कविता संग्रह से ली गई है तो हिरोशिमा 38 नंबर है क्वेश्चन, ये लिया गया है सदा नीरा से। कुंवर नारायण कवि है किसके कवि है, कुंवर नारायण किस पाठ के कवि है तो 39 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा नगर संवेदना के। हवा को किससे बचाना जरूरी है तो हवा को धुआं से बचाना जरूरी है नहीं तो ये प्रदूषित हो जाएगा। चलिए 41 नंबर बीरेन डंगवाल किस भाषा में पत्रकारिता करते हैं, थोड़ा फास्ट बोलते होंगे आप लोग लिख लीजिए डायरेक्ट और पीडीएफ ले लीजिए। बीरेन डंगवाल किस भाषा में पत्रकारिता करते थे तो 41 का आंसर हो जाएगा बी अंग्रेजी भाषा में, नाम से भी स्पष्ट। एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ किस कविता की पंक्ति है, यह हमारी नींद कविता की पंक्ति है आई हाँ सही है। 43 कवित्री अनामिका का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था तो मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो पाता है, भारत के गाँव में। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, भारत के गाँव में। जीवनानंद दास को 1952 ईस्वी किस काव्य ग्रंथ के लिए पुरस्कार मिला था तो जीवनानंद दास को जो पुरस्कार मिला था वो मिला था इनको किसके लिए मिला था तो इनको मिला था बनलता सेन के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं 46 नंबर सवाल की ओर। 46 नंबर सवाल देखिएगा लौट कर आऊंगा फिर कविता के अनुवादक कौन, देखिए लौट कर आऊंगा कविता जो है ना इसका लेखक है आपको प्रयाग शुक्ल। रेनर मारियल के कवि थे, किसके कवि थे, आस्तिक थे नास्तिक थे निर्गुण थे या इनमें से कोई नहीं। रेनर मारिया रिल्के जर्मनी के थे बेचारे और ये जो थे एक आस्थिक रिल थे कवि, एक बहुत भगवान पे आशा रखते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ 48 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 48 नंबर बढ़ने से पहले आपको यहाँ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा चुका है तो इसको देख लीजिए। अब हम लोग 48 की ओर बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 46 क्या होगा तो रेनर मारिया रिल्के किस आस्थिक कवि थे, 48 बिना भक्ति के भगवान है क्या है, अपूर्ण है। चलिए यहाँ पर है मगम्मा क्या बेचती थी, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 49 नंबर नहीं देख रहा लेकिन बच्चे बच्चे को पता होगा मगम्मा जो बेचती थी दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 49। 50 है ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है तो 50 ढहते विश्वास कहानी का लेखक है सात कोड़ी होता लक्ष्मी वाला है ठीक है। 51 हो जाएगा लक्ष्मण लक्ष्मी का कौन था तो पत्नी था।
मंगू के अलावा किसकी उसकी माँ के कितने संतान थे? तो लगभग दो संतान थे, हाँ दो था। सीता के कितने बेटे थे? तो दो ही मारेगा ऑप्शन। चलिए 50 तक ही आपको बनाना है, 53 तक हमने बता दिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और सारे क्वेश्चन है तो आपको ये भी मैं बता सकता हूँ कि मंगू के अलावा क्या था, पहिया कौन सा लिंग है? तो पहिया जो होगा, पहिया चलती है, लगभग ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग आता है? निष्क्रिय में हो जाएगा आपका निष्क्रिय, ये निस हो जाएगा। अनुम्बर यहाँ से रेत, या आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप देखने के बाद वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।